अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एक और ले आया हूँ पीरियोडिक इंस्पेक्शन की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, कि अगर आपने अपनी गाड़ी की फहास जिसको अभी बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेनी है वो किस्सा लेते हैं। लास्ट टाइम मैं फहास करने के लिए गया था अपनी गाड़ी की, मुझे काफी लंबी लाइन पे लगना पड़ा। पहले मैं बड़ा खुश था कि मुझे छोटी लाइन पे जगह मिली है और मैं जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं उस लाइन पे गया तो उसने बोला भाई आपके पास अपॉइंटमेंट है। मैं बोला नहीं है, तो बोलता भाई वहाँ पिछली लाइन पे चले जाओ। फिर मुझे एक घंटा तकरीबन लग गया पॉइंट तक पहुंचते। तो खैर मैंने अपनी कंपनी की गाड़ी की एक इंस्पेक्शन करवानी है, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं अपॉइंटमेंट किस तरह ली जाती है। अपॉइंटमेंट लेके अगर आप जाएंगे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप इंस्पेक्शन करवा के फारिग। चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने के लिए, पीरियोडिक इंस्पेक्शन या फास्ट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्या तरीकाकार है, कैसे कैसे आपने स्टेप फॉलो करने हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन ले चलते हैं और दिखाते हैं। ठीक है जी, यल आ जाए। अच्छा भाई, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, गूगल पे जाते हैं जी। गूगल पे यहाँ लिखते हैं हम लोग बुकिंग व्हीकल मोटर इंस्पेक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये लिखेंगे और आपके पास ये नीचे एक लिंक आ रहा होगा बुकिंग एन अपॉइंटमेंट पीरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन बुकिंग। ठीक है, vi.vsafety.sa, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है बंदे की, जिस बंदे ने जाना है इंस्पेक्शन करवाने के लिए उसका नाम लिखेंगे और कोशिश करनी है कि जिस बंदे की गाड़ी है या जो बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा है वो खुद जाए। नाम लिख देंगे और उस बंदे का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है जी, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर उस बंदे का हम लोग डाल देते हैं जी ईमेल एड्रेस। अब्दुर्रऊफ बंदा जा रहा है जी, उसका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे आएंगे जी व्हीकल इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे बोल रहा है जी रजिस्टर्ड व्हीकल अनरजिस्टर्ड व्हीकल, तो रजिस्टर्ड व्हीकल है ये हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबर प्लेट डाल देंगे गाड़ी की। ठीक है जी, रजिस्टर्ड व्हीकल ही रखना है और नंबर प्लेट डालेंगे, पहले उसके डिजिट आएंगे, बाद में उसके जो इंग्लिश और अरबिक के जो डिजिट हैं वो हम लोग डालेंगे, जो नंबर्स हैं जो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं वो डालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट गाड़ी है, हम लोग आप लोग सिलेक्ट कर लें कौन सी गाड़ी का आपने करवाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट व्हीकल वही सिलेक्ट करेंगे। व्हीकल टाइप प्राइवेट ही है, यहाँ भी वही करेंगे। और इंस्पेक्शन सर्विस टाइप क्या करवाना है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन सर्विस ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और कहाँ पर जाकर करवाना है जी आपने, रीजन अब ये रियाद सिलेक्ट हुआ, हम लोग करेंगे मक्का, क्योंकि हम लोग ने जद्दा में करना है, हमारा रीजन बनता है मक्का। और यहाँ पर हम लोगों ने जद्दा साउथ टर्मिनल पे हमने साउथ जो है जद्दा साउथ वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये लोकेशन दे देगा कहाँ पे जाना है। उसके बाद इंस्पेक्शन की डेट आपने सिलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने जाना है। आज 10 सितंबर है, 11 सितंबर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कल की डेट हमें मिलती है कि नहीं, और टाइम देखते हैं टाइम अवेलेबल है कि नहीं। नहीं जी, 10 सितंबर में 11 सितंबर में अवेलेबलिटी नहीं है, 12 सितंबर करेंगे। तो 12 सितंबर में ये टाइम्स आ गए हैं भाई, सुबह 10:15 है से लेकर दोपहर 2:25 तक की अपॉइंटमेंट है, और 2:25 के बाद फिर रात को 7 बजे के बाद शुरू होगी। तो बेहतर है हम लोग 2:25 वाली ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। आई एम नॉट अ रिबोट, इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आ जाएगा एक OTP कोड, वो आपने यहाँ पर डाल देना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपकी जो बुकिंग है अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी, और आप यहाँ पे प्रिंट ले के साथ ले जा सकते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं इसका। और इसके अलावा आप अगर कोई एडिट भी करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा काम था, इसके अलावा आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा। तो भाई ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।